हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सबियास फ्लेवर्स। चलिए आज हम बनाते हैं कोफ्ते का सालन, हैदराबादी कोफ्ता। इसके लिए हमने यहाँ लिया है 250 ग्राम्स ऑफ मिन्स, खीमा मैंने लिया है, पुदीना मैंने लिया है 10 से 15, हरी मिर्च मैंने लिया है 3, ये आप अपने हिसाब से देख कर डाल सकते हैं, हरी मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं। अदरक लहसुन मैंने लिया 2 टेबल स्पून। यहाँ मैं अपना 50 ग्राम्स ऑफ जो खीमा होता है उसको मैं अलग कर रही हूँ, कच्चा जो रॉ वैसा ही उसको रखना है, और बाकी का जो हमारा खीमा है उसकी हम लोग ने अभी प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। जो बाकी जो खीमा है वो हमने यहाँ पर कुकर में ले लिया है। अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पर 2 टेबल स्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन, यहाँ पड़ गया है अपना हरी मिर्च, और पुदीना मैं डाल दिया है, और नमक 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून ऑफ रेड चिल्ली पाउडर, 1/2 टीस्पून ऑफ हल्दी पाउडर, ऑयल डालिए आप 1/4 कप, और यहाँ पर 1/2 लीटर ऑफ वाटर डाल के आप इसको 2 से 3 विजिल, वैसे तो खीमा जल्दी गल जाता है, और देकर उसको गला लीजिए। साइड में यहाँ हमारा ग्रेवी की प्रिपरेशन हो रही है। यहाँ मैंने लिया है खोपरा, नारियल 1/2 मैंने लिया है, इसको अच्छे से रोस्टिंग कर लीजिए। इसके बाद मैं यहाँ ले रही हूँ मूंगफली, फली और काजू ऑप्शनल है, अगर आपके घर में बहुत रिच बनाना चाह रहे हैं या गेस्ट वेस्ट आ रहे हैं तो आप यहाँ पर काजू का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको भी हमने अच्छे से रोस्ट कर लिया है। अगर आपके पास इस स्टेज पे खशखश होए तो पॉपी सीड जिसको बोला जाता है अगर है तो आप वो भी डालिए, बहुत ही रिच फ्लेवर आता है। और मैं यहाँ पर फ्राइड अनियंस यूज़ कर रही हूँ, अगर आपके पास फ्राइड अनियंस नहीं है तो आप 2 मीडियम साइज़ ऑफ अनियंस ले लीजिए और उसको आप फ्राई कर लीजिए, और बस इसको हमने ये सारा कुछ ये जो फिर रोस्ट किया है उसको हमको अच्छे से फाइन पीस बना लेना है। मैंने वहाँ फाइन पेस्ट बना कर रख दिया है। अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ अपने कुकर की तरफ, जो मेरा यहाँ खीमा गल गया है। अब इसका जो पानी जो बचा कुचा है उसको हमने अच्छे से इसको सूखा लेना है, ठीक है। यहाँ पर मेरा खीमा यहाँ पर अच्छे से सूख भी गया, और मैं जो हमने जो 50 ग्राम जो खीमा बचा के रखा था उसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया, ठीक है, वो आप रख दीजिए। ये जो मसाला हमने बना के रखा था ग्रेवी का, इसमें हम डाल रहे हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, मिर्ची पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, सॉल्ट आपके हिसाब से आप डालिए, मैं यहाँ पर 1/2 टीस्पून डाली। अब मैं एक ले लिया है बड़ी सी कढ़ाई, उसमें डाल रही हूँ 3 से 4 टेबलस्पून ऑफ ऑयल, और जो भी हमारा मिक्सचर था ग्रेवी वाला वो मैंने डाल दिया है, और 1/2 कप ऑफ वाटर डाल दिया है, ठीक है। अच्छे से मिक्स किया इसको यहाँ पर, इतना आपको इसको अच्छे से भूनना है तब तक ये ऊपर तेल नहीं आ जाता, ठीक है। आप इसको अच्छे से 15 से 20 मिनट लगेगा, देखिए इस तरह से तेल ऊपर आना है, तब तक भूनिए जब तक इसका मसाला में से खुशबू आने लगेगी। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 50 ग्राम दही और थोड़ा सा पानी मैंने डाला है, ठीक है। आप यहाँ पर कंसिस्टेंसी लास्ट में देखकर आप कर सकते हैं। यहाँ मैं ले रही हूँ शाजीरा, इलायची, लौंग और दालचीनी थोड़ी थोड़ी सी, और बस इसको आप 2-3 बॉयल दीजिए, ठीक है। सारा कुछ दही वगैरह सब एक दूसरे में मेल्ट हो जाए, मिक्स हो जाए, वहाँ पर आप ग्रेवी रख बनाने छोड़ दीजिए। अब मैं यहाँ पर अपना जो खीमा था उसको मैंने अच्छे से पेस्ट बना लिया, देखिए यहाँ पर पेस्ट अच्छे से बन गया है। अब आप इसको अपने हाथ से थोड़ा सा ऑयल लगाइए अपने 2 पाम में, और यहाँ पर कोफ्ते का शेप दीजिए। मेरा यहाँ पर खीमा थोड़ा सा सॉफ्ट लग रहा था इसलिए ये गोल शेप नहीं आ पा रहा था। आप इसको अच्छे से सुखा कर देखिए, यहाँ पर मेरे कोफ्ते रेडी है। अब मैं इसको थोड़ा सा पैन में ऑयल डालकर इसको फ्राई करूँगी, ठीक है। यहाँ पर फ्राई हो चुके हैं, अब मैं सारे यहाँ पर कोफ्ते अपने ग्रेवी में डालूँगी। यहाँ ग्रेवी भी बनके एकदम रेडी है। यहाँ पर आप देख लीजिए कंसिस्टेंसी किस तरीके से चाहिए, बस सेमी ग्रेवी या थोड़ी सी लिक्विडी, अब अपने हिसाब से देख लीजिए। यहाँ मैं डाली हूँ पुदीना और धनिया लीव्स, और बस रेडी हो गया। ये देखिए बहुत ही यमी, बहुत ही ज़बरदस्त बना है। आप पूरी, नान, रोटी, पराठा, पुलाव, वाइट राइस सब के साथ आप खा सकते, आप लोग भी बनाइए, आप लोग बहुत इन्जॉय करेंगे। जब आप लोग बना दिए हैं ना, सेम रेसिपी आप बनाइए, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। और बस मुझे इजाज़त दीजिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, अल्लाह हाफ़िज़।